प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक कुछ बेसिक कंसेप्ट और उदाहरणों को हल करेंगे तथा उसके बाद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रमुख कंसेप्ट आता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो है प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए बड़ा ही आवश्यक कंसेप्ट है, तो इसे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, एक उदाहरण के माध्यम से इसे आपको समझाऊंगा। इसे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर दिया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहाँ पी एक्स एक्स माइनस 3x² - 1 तथा जी एक्स बराबर 1+x है। तो यहाँ देखिए, आपको दो बहुपद दिए हुए हैं। पी एक्स है x+3x² - 1। इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ कि जो बड़ी पावर वाला पद है उसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला पद, और उसके बाद उससे भी छोटी पावर वाला पद, यानी एचर पद आ गया। इसी तरह से मैं जी एक्स को लिख लेता हूँ, 1+x है तो बड़ी पावर इसकी है, उसके बाद एचर पद। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, अर्थात 3x² + x - 1 को x+1 से भाग देना है। तो देखिए कि भाग हम कैसे देंगे, कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है x, और यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है 3x². तो देखिए, इससे हमें इस पद को हमें एक ऐसे पद से गुणा करना है ताकि ये 3x² के बराबर हो जाए। जैसे ये x है और ये 3x², पहले गुणांक बराबर कीजिए। तो गुणांक बराबर तभी होंगे जब इसे हम 3 से गुणा करेंगे। फिर पावर को देखिए कि यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर कितनी है, 2 है। तो हमें एक्स पावर 1 से गुणा करनी होगी, अर्थात एक्स से गुणा करनी होगी। तो 3x से अगर इसे गुणा करें तो देखिए क्या बनेगा, 3x² तो यही हमें करना था कि बराबर करना है इसे। और दूसरा, 3x के 1 के साथ भी गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, 3x। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +3x² और ये -3x², ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का एक्स और ये -3x, तो ये हो जाएगा -2x। अभी ऊपर से -1 उतार लेंगे। अब देखिए, सेम उसी प्रोसीजर से इस पद को इसके बराबर करने के लिए यहाँ हमें किसी से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले गुणांक बराबर कीजिए, या -2 से गुणा करना होगा, और x की पावर आपस में बराबर है तो -2 से इसे गुणा करना पड़ेगा। तो -2x और -2 की 1 के साथ गुणा -2। अब देखिए, फिर से घटाएंगे, इसे घटाएंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। -2x और +2x 0 हो जाएगा, -1 और +2 है तो ये बचेगा +1। तो देखिए, ये है शेषफल। तो देखिए, इस तरह से हम एक लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किन्हीं भी दो दिए गए बहुपदों के लिए हम शेषफल और भागफल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कि यदि हमारे पास एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है, और उसे हम एक रैखिक बहुपद द्वारा भाग देते हैं, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो क्या है, देखिए कि जो रैखिक बहुपद जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद हमारे पास क्या है, x+1। x+1 का शून्य ज्ञात करने के लिए x+1 = 0 का हल ज्ञात करेंगे, जो किसके बराबर होगा, x - 1। तो इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या हो गया, -1। तो शेषफल देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे आएगा, कि यहाँ जो पी एक्स है
पी एक्स की जगह पी माइनस एक रख दें, यानी एक्स की जगह शून्य रख दें, तो देखिए क्या बनेगा, 3 × -1² प्लस में -1 और -1। -1² प्लस का 1 होता है, ये फिर -1 और फिर -1, 3 − 1 और -1, 3 − 2 कितना आ गया 1। देखिए कि इस तरह से जो है हम भाज्य के अंदर जिस रैखिक बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसका शून्य रख करके एक्स की जगह पर हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में ये जो डायरेक्ट मेथड है ये और कुछ नहीं है, ये शेषफल प्रमेय है। ये क्या है? शेषफल प्रमेय। अब देखिए शेषफल प्रमेय क्या कहती है, कि यदि हम किसी एक या एक से अधिक घात वाले किसी बहुपद पी एक्स को किसी रैखिक बहुपद जी एक्स से भाग देते हैं, तो जी एक्स का जो शून्य है अर्थात इस रैखिक बहुपद का शून्य पी एक्स में एक्स की जगह पर रख दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को हम आगे अन्य उदाहरणों में भी वेरीफाई करेंगे। अब आगे उदाहरण नंबर 7, 3x·4−4x³−3x − 1 को x − 1 से भाग दीजिए। तो देखिए ये जो पहला बहुपद दे रखा है इसे हम पी एक्स मान लेते हैं और दूसरे बहुपद को जी एक्स मान लेते हैं। अब हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो पहले हम लंबी विभाजन प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, फिर जो इसका शेष प्राप्त करेंगे उसे शेषफल प्रमेय द्वारा चेक करेंगे। अब देखिए ये आपस में पद बराबर करने के लिए पहले गुणांक बराबर करते हैं, 3 से गुणा करेंगे तब ये बराबर होगा, और घात भी बराबर करने, तो घात यहाँ 1 या 4 तो x³, तो ये होगा 3x⁴। और इसी से -1 को भी गुणा करनी है तो -3x³ आ जाएगा। घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, +3x⁴ और -3x⁴ 0 हो जाएगा, और -4x³ और +3x³ ये -1x³ यानी -x³ ये पूरा उतार लीजिए नीचे। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें, ये x⁻¹ और ये x⁻³ है तो x⁻², तो -x⁻³ और -x⁻² को -1 से गुणा तो +x⁻²। ये मैंने अलग इसलिए लिया है क्योंकि लिखा है क्योंकि समान पदों को एक शीट में लिखते हैं। अब घटाने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये -x³ और ये +x³ 0 हो गया, और ये -x² क्योंकि बड़ी घात है पहले लिख देता हूँ, -3x − 1। ध्यान रखना साइन सिर्फ नीचे वालों के चेंज करने, ऊपर वालों के नहीं करने। अब ये x और ये -x², तो ये -x से गुणा करेंगे, -x² और -x के -1 के साथ गुणा +x, ये 0 हो जाएंगे, -3x और -x माइनस के 4x -1। अब -4 से गुणा करेंगे, पावर तो बराबर है ही, सिर्फ गुणांक गुणांक बराबर करना है, तो -4x और -4 के -1 के साथ गुणा +4। घटाएंगे तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0, -1 और -4 कितने हो, -5। तो शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हुआ, -5। तो देखिए अब शेषफल प्रमेय के अनुसार हम
जो ये रैखिक बहुपद है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका शून्यक, इसमें एक्स की जगह पर रखेंगे तब शेष फल आएगा। तो जी एक्स का शून्यक बराबर एक्स माइनस एक का हल, अर्थात एक्स बराबर एक। अब देखिए जी एक्स का शून्य का आ गया एक, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम पी एक ज्ञात करेंगे। पी वन क्या होगा, तीन, एक्स की जगह वन रख दीजिए बस, पावर चार, फिर माइनस चार एक पावर तीन, माइनस तीन एक्स की जगह पर एक, फिर माइनस एक, तीन वन पावर फोर वन ही होता है, माइनस फोर वन पावर थ्री भी वन होता है, माइनस थ्री इंटू वन माइनस वन, तीन माइनस चार माइनस तीन माइनस एक। अब देखिए तीन माइनस चार और तीन सात और एक आठ, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लें, माइन प्लस तीन और माइनस आठ माइनस पाँच बचेगा। तो यहाँ से देखिए शेषफल कितना शो हो रहा है, माइनस पाँच, लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी शेषफल कितना है, माइनस पाँच। अब हम शेषफल प्रमेय को एक और उदाहरण से वेरीफाई करेंगे। उदाहरण नंबर आठ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक को भाग देना हमने किससे, एक्स प्लस एक से, तो गुणांक तो बराबर है ही, घात बराबर करनी है, घात बराबर करने के लिए एक्स पावर दो से गुणा करूँगा, एक्स गुणा एक्स पावर दो कितना हो गया, एक्स पावर तीन, एक्स पावर दो को एक से भी गुणा करना होगा, ये होगा एक्स पावर दो। तो ये प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कितना आ गया, जीरो, और ये क्योंकि बड़ी घात इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक। अब यहाँ प्लस एक्स है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो माइनस और एक एक्स से गुणा करेंगे तभी इसके बराबर हो पाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा माइनस एक्स, घटाएंगे तो साइन चेंज, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक, प्लस एक से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस एक, माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस एक का शून्यक, एक्स प्लस एक का शून्यक बराबर एक्स प्लस एक बराबर जीरो का हल या समीकरण, एक्स प्लस एक बराबर जीरो का हल अर्थात एक्स बराबर माइनस एक। अब एक्स बराबर माइनस एक यहाँ पी एक्स में रख देंगे, अर्थात पी माइनस वन ज्ञात करेंगे। पी माइनस वन ज्ञात करेंगे तो माइनस वन का क्यूब प्लस एक, माइनस वन क्यूब कितना होगा, माइनस एक प्लस एक, ये हो गया जीरो। तो यहाँ से देखिए शेषफल, यहाँ शेषफल प्रमेय द्वारा भी हमें जीरो प्राप्त हुआ, लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा भी जीरो प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि यदि हम भाजक और भागफल की गुणा करें और उसमें शेषफल ऐड कर दें, किस किस की गुणा, भाजक और भागफल की गुणा करके और उसमें क्या ऐड कर दें, शेषफल ऐड कर दें, तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा,
क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं कि इस भागफल को x प्लस एक से गुणा करें, फिर उसमें जीरो ऐड कर दें, एक्स क्यूब प्लस एक ही आएगा। अब ये जो सूत्र है कि हम शेषफल प्रमेय को सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे, इसलिए आपको याद रखना है। तो इतने उदाहरण करने के बाद हम शेषफल प्रमेय को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय एक किसी भी एक से अधिक घात वाले बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने की एक विधि है। अब आइए शेषफल प्रमेय की सही परिभाषा पढ़ते हैं कि मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। तो यहाँ पर माना पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा x माइनस एक एक रैखिक बहुपद है। अब पी एक्स को x माइनस एक से भाग देने पर माना शेषफल बराबर आर एक्स। इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा, x माइनस a इंटू भागफल मान लेते हैं क्यू एक्स होगा प्लस शेषफल आर एक्स, जहाँ क्यू एक्स क्या है, भागफल है। अब देखिए कि आर एक्स की घात हमेशा ही भाजक अर्थात एक्स माइनस एक से कम होगी, क्योंकि आर एक्स की घात एक्स माइनस एक से कम होगी अर्थात आर एक्स की घात एक्स माइनस एक की घात कितनी होती है, एक से कम होगी। इसका अर्थ है कि आर एक्स क्या है, एक से कम क्या होगी, जीरो ही होगी। आर एक्स एक अचर पद है। अब देखिए आर एक्स एक अचर पद है तो आर एक्स बराबर आर मान लेते हैं। इसलिए समीकरण एक क्या बन जाएगा, इसलिए समीकरण एक से क्या होगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को मैं क्या लिखूँगा, आर। अब देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, पी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी ए। तो यहाँ पर इस समीकरण में x की जगह a रख दें तो यहाँ आएगा x माइनस a की जगह a माइनस a इंटू क्यू ए प्लस आर। a माइनस a क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। a माइनस a ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग, ये पूरा पद ज़ीरो हो गया प्लस r, यानी p a किसके बराबर हो गया, शेषफल के बराबर।
तो यही तो सेसफुल प्रमेय कहती है कि यदि हम किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, एक रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देते हैं जहाँ पर ए कोई वास्तविक संख्या है, तो उस केस में पी ए जो है वो क्या होगा, उसका शेषफल होगा। तो उस केस में शेषफल जो है वो पी ए होगा। अब उदाहरण नंबर 9, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, और शेषफल प्रमेय हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट शेषफल प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। तो शेषफल प्रमेय लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये बहुपद पी एक्स है और ये जी एक्स है। माना पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1। पहले इस रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, जी एक्स का शून्य बराबर समीकरण एक्स माइनस 1 बराबर 0 का हल अर्थात एक्स बराबर 1। तो x बराबर 1 क्या हो गया, जी एक्स का शून्य हो गया। तो शेषफल जो है वो किसके बराबर होगा, p 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, p 1 कैलकुलेट करेंगे। p 1 बिल्कुल आसान है कैलकुलेट करना, x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 प्लस अगेन 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, प्लस प्लस वाले अलग ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। इसलिए शेषफल प्रमेय के अनुसार पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल बराबर 2। आगे उदाहरण नंबर 10, जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी बराबर 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1, 2t प्लस 1 का एक गुणज है। देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात ये जांच करनी है कि क्या ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणज है। देखिए तो क्यू टी जो है वो इस बहुपद का गुणज कब होगा, जब क्यू टी को हम 2t प्लस 1 से भाग दें और शेष क्या बचे, 0 बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू टी 2t प्लस 1 का गुणज होगा यदि क्यू टी को 2t प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, शून्य बचे। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय द्वारा हम चेक कर लेंगे कि शेषफल कितना बचता है। तो हम लिखेंगे 2t प्लस 1 का शून्य बराबर समीकरण 2t प्लस 1 बराबर 0 का हल अर्थात t बराबर माइनस 1/2। तो हम यहाँ पर
क्यू टी की जगह माइनस एक बटे दो पुट करेंगे तो चार माइनस एक बटे दो का घन प्लस चार माइनस एक बटे दो का स्क्वायर माइनस टी की जगह फिर माइनस एक बटे दो माइनस एक। अब देखिए चार और माइनस की ऑड पावर आते माइनस में रहेगा, एक बटे दो की पावर तीन हो गया आठ, और ये माइनस की पावर सम संख्या आते प्लस में जाएगा प्लस, और इधर बार भी प्लस आता है प्लस कराएगा, चार गुणा एक बटे चार माइनस गुणा माइनस प्लस एक बटे दो माइनस एक, चार एकम चार चार दुनी आठ माइनस एक बटे दो, चार एकम चार चार एकम चार ये बच गया एक, ये प्लस एक बटे दो और ये माइनस एक। माइनस हाफ से प्लस हाफ, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल और ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि शेष फल शून्य है इसलिए क्यू टी दो टी प्लस एक का गुणज है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जांच कीजिए कि बहुपद दो टी प्लस एक क्यू टी का गुणनखंड है या नहीं। तो उस केस में भी आपने यही करना है कि क्यू टी तो इसका क्या हो गया गुणज हो गया और ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, तो दोनों ही का हल जो है वो सेम तरीके से होगा, बस ऊपर नीचे लिखने में हल्का सा फर्क आ जाएगा।